नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VDP इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका सुगर लिमिटेड के ऊपर, जहां पे लास्ट वीक में दोस्तों जबरदस्त ब्रेकआउट आया था और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी भी बनी है। अब आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, इस जो दोस्तों इतनी बड़ी तेजी बनी उसके पीछे के रीजन क्या थे, और अब हमें क्या इसमें नया बाई करना चाहिए या नहीं, या फिर प्रॉफिट कैसे बुक करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों। तो श्री रेणुका सुगर में दोस्तों 52.75 का क्लोजिंग है, 3.21% की तेजी है दोस्तों। पिछले पाँच दिनों में देखेंगे तो 15.68% की तेजी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों 58 से उसके बाद दो दिन में काफ़ी गिरावट आई है, और पिछले एक महीने में दोस्तों 41.04% की दोस्तों तेजी बनी है दोस्तों। ये स्टॉक में दोस्तों 35 रुपीज़ के आसपास मैंने रेकमेंड किया था अपने चैनल के ऊपर, और यहाँ पे आपको बताया था कि 35 रुपीज़ के आसपास आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे हमने बाई किया था 35-36 के आसपास, और उसके बाद बहुत सारे रीजन थे दोस्तों। 23.6% का रिट्रेसमेंट टूटने वाला था, और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनना स्टार्ट हुआ। दोबारा चैनल के ऊपर कवर किया जब 37 और 40 का जो रेंज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? तो वीकली चार्ट के ऊपर स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो 23.6% का रिट्रेसमेंट था वो 37.25 था, और वहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था। एक बार पॉजिटिव क्लोज आया था, बट उसके बाद नीचे ही आया था स्टॉक। तो अब दोस्तों पूरा मौका था कि इस बार इस लेवल को तोड़े, बट वो लेवल को नहीं तोड़ पाया, बट इसने अब तोड़ा दोस्तों लेवल, और जैसे ही तोड़ा उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, और इस सब ब्रेकआउट के पीछे के रीज़न क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रेणुका सुगर को अदानी खरीदेंगे, इस सुगर कंपनी को निवेशकों को मिल रहा है तगड़ा रिटर्न। रेणुका सुगर का जो ये न्यूज़ आया था दोस्तों एक वीक पहले, उस न्यूज़ के चलते, उस रूमर्स के चलते, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अब BSE NSE के वेबसाइट के ऊपर जाके देख लो, अदानी की वेबसाइट के जा, अदानी भी कोई डिसीजन, कोई चीज़ नहीं बोला है कि वो लोग रेणुका सुगर बाय करने वाले हैं। तो अगर ये रूमर्स है तो फिर दोस्तों यहाँ पे फंसने के भी चांस बन सकते हैं, बट यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आ गया है, हमें अच्छा कमेंट मिल चुका है। तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों बिल्कुल जैसा हमने अदानी पावर में देखा था कि 145 से लेकर दोस्तों स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ गए थे दोस्तों। अदानी बिलमार में जो हमने किया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मीनिंग ये होता है कि दोस्तों अगर ये हमारा ब्रेकआउट है तो दूसरे दिन का जो कैंडल है दोस्तों, ये जो कैंडल है 7 अप्रैल का, जहाँ पे लो है 43, अगर 43 को नेक्स्ट डे अगर क्रॉस कर देता है, नीचे क्लोज डाल देता है, तो आपको निकल जाना है। बट अभी आप देखेंगे कि एक भी दिन दोस्तों जो हमारा लो है 48 का, एक भी बार दोस्तों उसको टच भी नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कल का लो था हमारा 51.68, और आज का लो है हमारा दोस्तों 52.25, यानी कि हर बार लो है, बट हर बार लो ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों पॉसिबल है कि ये न्यूज़ सच भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार दोस्तों रूमर्स के ऊपर ही कभी कभार काफ़ी पैसा बन जाता है। तो हमने तो बहुत नीचे से ले लिया है, वो अगर किसी ने ब्रेकआउट के टाइम पे लिया है तो ठीक है, अगर 35 पे लिया है तो भी ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे अगर आपकी शॉर्ट टर्म में रणनीति हो। अगर लॉन्ग टर्म में आपने 35 में रेणुका सुगर के फंडामेंटल को देख के और उसकी जो टर्न अराउंड स्टोरी है उसको पकड़ के लिया है, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आप बाई करिए, बट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर नया बाय रेकमेंड नहीं है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस लेवल के ऊपर मैं आपको बाय रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गलती से दोस्तों 47-48 के आसपास आता है तो भी दोस्तों आप पार्शियल ही बाय करो, अच्छा है बाय तब बनेगा जब दोस्तों 40 का लेवल आएगा हमारे पास, 40 के और 48 के बीच में आप थोड़ा बाई कर सकते हो, बट थोड़ा ये न्यूज़ के ऊपर कंफर्मेशन आ जानी चाहिए उसके दौरान कि यहाँ पे क्या अदानी लेने वाले। अगर अदानी लेगा तो यहाँ से बिल्कुल फिर से दोबारा जंप दिखाएगा ये स्टॉक, और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम सजेस्ट कर रही है कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्टॉक में उथल पाथल हो रही है, और डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम बनाया है स्टॉक ने डेली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर भी दोस्तों बहुत ही बड़ा वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम इस स्टॉक ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। कंपनी बहुत सालों पुरानी है, फिर भी दोस्तों स्टॉक में ऐसा तेजी आज तक नहीं दिखा पाया है वॉल्यूम के नज़र के चलते हुए, और ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है तो इतना जल्दी दोस्तों टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए,
जब भी दोस्तों मौका मिले नीचे की तरफ तब बाई किए, बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चले जा सकते हैं। अगर आपको अभी के लेवल के ऊपर बाई करना है तो मैंने आप सबको सजेस्ट किया था शॉर्ट टर्म में ITC इज अ बेस्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल सा है लॉजिक दोस्तों ITC का, कि जो वीकली चार्ट के ऊपर हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल रहे थे 265 के ऊपर, और वही रेजिस्टेंस को दोस्तों उसने क्रैक किया हुआ है मल्टीपल टाइम था दोस्तों। तो और अभी भी दोस्तों कंसोलिडेट करके काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर है। तो अभी 4 रुपये का क्लोजिंग बेजिस के ऊपर आप वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रख दीजिए और फिर आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैंने आप सबको जो स्टॉप लॉस है वो 254 का रखना है, और टारगेट जो है हमारे 300 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं ITC के अंदर दोस्तों। तो अभी रेणुका शुगर में दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं, बट वो भी तब रखनी है जब दोस्तों रेणुका शुगर में आपको दोस्तों कोई न्यूज़ का कंफर्मेशन आए। बाकी नया बाय नहीं करना है, बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में हमारा बाइंग लेवल काफ़ी नीचे है, अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो हम काफ़ी अच्छा मुनाफा लेके 15 दिन में निकल जाएंगे, सॉरी 15 दिन में एक वीक के अंदर ही दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, वीडियो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। धन्यवाद दोस्तों।